हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स की संस्कृत का लेसन सेवन सप्तमः पाठः संहतिः कार्यसाधिकाः। पेज नंबर 42 पर आइए। संहति कार्यसाधिकाः मीन्स एकता कार्य को सिद्ध करती है। एकता से कार्य होते हैं या एकता से ही हमारे कोई भी कार्य सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। शरीरेण एकता बोधम बोधः भवति। शरीर जो है हमारा वह हमें एकता का बोध करवाता है। शरीरे विभिन्नानि अंगानि भवन्ति। शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं और अंगानां मेलनेन शरीर निर्माणं भवति। अंगों के निर्माण अंगों के मिलने से शरीर का निर्माण होता है। अंगानां सहयोगेन एव शरीरम सर्वाणि कार्याणि करोति। और अंगों के ही सहयोग से शरीर काम करता है। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः हम आंखों से देखते हैं। कर्णाभ्याम श्रणुमः कानों से सुनते हैं। नासिकया जिघ्रामः नाक से सूंघते हैं। जिह्वया स्वादयामः और हमारी जीभ से हम किसी भी चीज का टेस्ट महसूस करते हैं। पादाभ्याम चलामः पैरों से चलते हैं। हस्ताभ्याम कार्य कुर्मः हाथों से काम करते हैं। दन्तेह अन्नचर्वणं कुर्मः दांतों से अन्न को चबाते हैं। मुखेन खादाम पीपामः वदामः च और मुंह से हम खाते हैं पीते हैं और बोलते भी हैं। एवं अंगानां सहयोगेन एव शरीरेण सर्वाः क्रियाः भवन्ति। इस प्रकार से हम हमारे अंगों के सहयोग से अंगों की हेल्प से पूरा शरीर सभी कार्य को पूरा करता है। अल्पानां अपि वस्तुनां सहयोगेन वयं दीर्घाणि कार्याणि कुर्मः थोड़ी सी भी चीज छोटी छोटी चीजों के सहयोग से हम बड़े बड़े कार्य को कर सकते हैं। जैसे कि तृणानां मेलेन रज्जु निर्माणं भवति तिनकों के मिलने से छोटे छोटे तिनके या पतले पतले तिनके जब मिलते हैं तब एक रस्सी का निर्माण कर देते हैं। रज्जुना संज्ञा निर्माणं भवति रस्सी से चार पाई का निर्माण होता है। जैसे वो खाट बनाते हैं रस्सी को लपेट कर तो रस्सी से खाट बन जाता है, चारपाई बन जाती है। तेन एव कूपात घटेन जलम प्राप्नोति और उसी रस्सी से कुएं में से घड़े पर रस्सी बांधकर या बाल्टी पर रस्सी बांधकर पानी भी प्राप्त किया जाता है। रज्जुना बलशाली गजः अपि बध्यते और रस्सी से ही एक शक्तिशाली हाथी को बांधा भी जा सकता है। पुष्पेह मालायाः निर्माणं भवति फूलों से छोटे छोटे बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करके उनसे माला का निर्माण होता है, माला बनती है। मालाभिश्च देवानां पूजनं वयं कुर्मः और माला से ही हम भगवान की पूजा करते हैं। महंती कार्याणि बहुभिः जनेन एव पूर्णानि भवन्ति न तु एकं जनेन। बड़े बड़े कार्य बहुत से लोगों द्वारा ही पूरे होते हैं। यदि बड़े बड़े काम हैं तो वे एक व्यक्ति वह काम नहीं कर सकता है, बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे तब जाकर वो कार्य पूरे होते हैं और एक व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकता है। बहुभिः क्रीडकेन एव क्रीडनं भवन्ति बहुत सारे खिलौनों से खेल खेला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहे जैसे किचन सेट रहता है तो खेल एक ही खेल रहे हैं किचन के बारे में, या डॉक्टर सेट रहता है तो डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं बच्चे, बट उसमें चीजें बहुत सारी गेम्स होती है तब जाके वो एक गेम खेला जाता है। विभिन्न मुद्रित पत्र पुस्तक निर्माण भवति बहुत सारे लिखे हुए पेजेस से एक बुक का निर्माण होता है। पर्णेन पुष्पेन फलेन शाखाभिः च वृक्षः शोभते पर्णे मीन्स पत्तों से फूल से फल से और शाखाओं से एक वृक्ष का निर्माण होता है।
अभी हम सोचें कि यदि पेड़ पर पत्ते नहीं है, फूल नहीं है, फल नहीं है, शाखाएं नहीं है, तो वह पेड़ पेड़ कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा और उसकी शोभा भी नहीं बढ़ेगी। तंतुमय वस्त्र निर्माण भवति, जो धागों से वस्त्र का निर्माण होता है, छोटे छोटे धागे जब इकट्ठा होते हैं, पतले पतले धागे, तब जाके कपड़े का निर्माण करते हैं। पंचभीह अंगुलीभीह मुष्टिः भवति, पांच उंगलियों को मिलाकर एक मुट्ठी बनती है। बहुनाम अराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणं भवति, बहुत सारी अराणाम मीन्स होता है तिल्लियों से, बहुत सारी लकड़ियों से या तिल्लियों से एक चक्र का निर्माण होता है, एक पहिए का निर्माण होता है। जैसे कि बैलगाड़ी का पहिया आता है, उसमें बहुत सारी लकड़ियां लगाई जाती है, तब जाकर उसे पहिए का निर्माण होता है। एकया इष्टिकाया गृह निर्माणं भवति, एक एक ईंट को जोड़कर घर का निर्माण किया जाता है। एकेन एकेन बिंदुनाम घटः पूर्णः भवति, एक एक बूंद पानी गिरने से पूरा घड़ा भर जाता है। तदा वयं जलं पिबा, तब वह जल हम पीते हैं। उक्तञ्च कहा गया है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटं, पानी की बूंदे गिरने से घड़ा भर जाता है। यदि एक एक बूंद गिर रही है तो लेट सही, लेकिन वह घड़ा जरूर भरेगा। अतः सहतिः एव कार्यसाधिका भवति, इसलिए एकता ही कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। अनेकतायाम् एकता अस्माकं भारत देशस्य गौरव सूत्रम अपि अस्ति, जो अनेकता में एकता हमारे भारत देश का गौरव सूत्र भी है। उक्तम कहा गया है, अल्पानामपि वस्तुनाम सहतिः कार्यसाधिका, छोटी छोटी वस्तुओं की एकता से कार्य सिद्ध होता है। त्रणे गुणत्व मापने वर्धयन्ते मत दंती नः, घास से रस्सी बना लेने पर मतवाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। तो इस पाठ में हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल होता है।